जाएगा अब। चलो लिखो बेटा, लिखो तुम लोग फटाफट, लिखो फटाफट, लिख लो बेटा। यहाँ पर कहाँ तक कर लिया था हमने लास्ट लेक्चर में बेटा? स्टीरियो आइसोमर। घर जाके किसने किया पूरा? मज़ा आया निकालने में? मज़ा आया होगा? किस किसने मतलब अच्छे से आ गया उसको कंसेप्ट? चलो ठीक है, तो लिखो अब, लिखो अब डी एल। मैंने बताया था ना डी एल, कौन सा वाला बताया था? नहीं, डी एल पेयर वो इनेंशियोमर्स था। एक कैपिटल डी वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट बताया था। एक मैंने कौन सा बताया था? रिलेटिव, रिलेटिव बताया था। ये पहले वाला मैंने कौन सा बताया? आर एस वाला कौन सा बताया? अब देखो डी एल कॉन्फ़िगरेशन, एक और बताया था ना मैंने डी एल कॉन्फ़िगरेशन, हाँ रेक्टस और सिनिस्टर वाला बता दिया था। आप लिखो डी एल कॉन्फ़िगरेशन, डी एल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो डी एल कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालेंगे समझना, ठीक है? तो लिखो इसमें डी एल कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालेंगे, मैं तुम्हें लिखा देता हूँ सारी बातें, और तुम लोग आपस में दूर रहो बेटा, ठीक है ना? अभी थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज़ का, ठीक है? और क्वेश्चन अपने अपनी कॉपी में से ही सोल्व करो। देखो डी एल कॉन्फ़िगरेशन में तुम लोगों को लिखा देता हूँ, डी एल कॉन्फ़िगरेशन, डी एल कॉन्फ़िगरेशन इज असाइंड, असाइंड टू द टू एनी मॉलिक्यूल, टू एनी मॉलिक्यूल। मतलब डी एल कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं किसी मॉलिक्यूल पे असाइन करूँगा टू एनी मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय ग्रिसरेल्डिहाइड, बाय ग्रिसरेल्डिहाइड। ग्रिसरेल्डिहाइड को शॉर्ट में लिख रहा हूँ जी एल वाई यूनिट। मतलब क्या होता है डी एल कॉन्फ़िगरेशन हम किसके बेसिस पे असाइन कर रहे हैं बेटा? जी एल वाई मतलब ग्रिसरेल्डिहाइड, क्या बोलेंगे इसको? बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, बड़ा सिंपल। अब देखो ग्रिसरेल्डिहाइड क्या होता है बेटा? ये आपका ग्रिसरेल्डिहाइड होता है, ये आपका क्या होता है? ग्रिसरेल्डिहाइड। अब देखो यहाँ पर ओ एच कहाँ आया है, कौन से डायरेक्शन में, राइट या लेफ्ट? इस ये यूनिट अगर कहीं दिखा है और लगा हुआ है ये वाला यूनिट, तो इसका मतलब ये कौन सा है? डी ग्रिसरेल्डिहाइड। क्या है? डी ग्रिसरेल्डिहाइड। कौन सा है? डी ग्रिसरेल्डिहाइड। अगर मैं इसी यूनिट का अगर मैं दूसरा बना दूँ सी एच ओ, बेटा मैं कैपिटल डी लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? ना कि स्मॉल डी और स्मॉल एल। क्यों नहीं लिख रहा बताए तुम्हें? क्या वो है ना एक्चुअली डेक्स्ट्रो और लिवो, मतलब राइट और लेफ्ट वाला बताएगा। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? कैपिटल डी और कैपिटल एल। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर इसको ओ एच कर दिया, इसको एच कर दिया। अब ये वाली यूनिट को हम क्या बोलेंगे बेटा, जल्दी बोलो? एल जी एल वाई। क्या बोलेंगे? एल जी एल वाई। बात समझ में आया? ये वाली यूनिट को हम क्या बोलते हैं बेटा? जी एल वाई। मतलब आपका कौन सा वाला? डी वाला। समझ में आया? ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ समझना। अब देखो डी ग्रिसरेल्डिहाइड से जो भी कंपाउंड बनेगा, डी ग्रिसरेल्डिहाइड से जो भी कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा बेटा उसका? और एल ग्रिसरेल्डिहाइड से जो भी कंपाउंड बनेगा, जो भी कंपाउंड आपका बनेगा, ये आपका होगा डी आइसोमर, ये आपका कौन सा होगा? डी आइसोमर। और इससे कौन सा बनेगा? एल आइसोमर। ठीक है, एल आइसोमर। अब देखो ये जो आपका प्लस और माइनस साइन भी आता है, इसमें कौन सा साइन आता है? प्लस और माइनस साइन। ये हम कैसा होता है? ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। इसके ऊपर आपको उतना फोकस नहीं करना है। क्या होता है बेटा? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा। यहाँ पर भी जो प्लस और माइनस साइन आएगा वो क्या होगा? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा। बात क्लियर है? इस लाइन पर आपको फोकस नहीं करना है। आपको क्या करना है? जिसमें ग्रिसरेल्डिहाइड यूनिट ऐसा दिखे तो वो कौन सा होगा? डी आइसोमर। और जिसमें ऐसा दिखे वो कैसा होगा? हाँ, जैसे एक एग्जांपल के लिए
असाइन द क्वेश्चन करा देता हूँ, क्वेश्चन लिख लेते असाइन डी एल कॉन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, समझ लेना बेटा, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना, नहीं भी आए तो भी समझने की कोशिश करते रहना। अब समझने की कोशिश करते रहना। अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को करेंगे डील, ठीक है ना, डील करेंगे आसानी से, तो मैं आंसर भी पता पड़ गया होगा इस क्वेश्चन का। आंसर पता पड़ गया होगा, आई होप आंसर तुम्हें पता पड़ गया। पहला कौन सा है बोलो, डी आई एल। एल क्यों? ये वाला मिलाना, ये वाला नीचे वाला होगा ना सी एच टू ओ, हमको सी एच ओ वाला थोड़ी ना देखना है, हमको सी एच टू ओ एच से सेंटर दाई देखना है। देखो पहला कौन सा होगा, पहला डी, दूसरा एल या डी, दूसरा कौन सा बोल रहे हो, ये वाला नीचे वाला कौन सा होगा, एल होगा, मिलाओ ना ये, और ये कौन सा है, अब आ गया खत्म, इतना ही था ये। अब देखो मुद्दे की बात हम समझते हैं, अब ये कौन सा होगा, ये कौन सा कन्फिगर्ड होगा, कॉन्फ़िगरेशन बताओ इसका जल्दी से, कैसे होगा, कैसे निकालोगे बेटा, लोएस्ट प्रायोरिटी को डाउन साइड, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर ये नीचे ये ऊपर, एक दो तीन, कौन सा ये आपका कौन सा कन्फिगर्ड होगा बेटा, आर कन्फिगर्ड, समझ में आया, ये आपका कौन सा कन्फिगर्ड होगा, आर कन्फिगर्ड, ये वाला बोलो एस कन्फिगर्ड, समझ में आ गया बेटा, ये आपका, हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है, आप लोग इससे समझो, ये डी ग्रिसेल्डिहाइड से जो बनेगा वो कौन सा होगा, डी आइसोमर, जो एल ग्रिसेल्डिहाइड से बनेगा वो कौन सा होगा, मतलब अगर ये मेरा कौन सा है बेटा, डी ग्रिसेल्डिहाइड है, तो ये आपका कौन सा है, नहीं डी आइसोमर है, क्या है ये आपका, डी आइसोमर है, तो ये किससे फॉर्म हुआ होगा, डी जी एल वाई से फॉर्म हुआ होगा, डी जी एल वाई से फॉर्म हुआ है, मैंने कौन सा सेंटर देखा है आपको, अब समझ में आ गया, ये वाला बताओ ये क्या होगा, डी आइसोमर, और इसको हम क्या बोलते हैं, डी ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, सी टू एच सी नहीं सी सिक्स एच टू एल ओ सिक्स, काउंट करो इसमें मॉलिक्यूल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ऑक्सीजन एक दो तीन चार पाँच छ, इसका नाम होता है डी ग्लूकोज, तो इसका नाम क्या होगा, केवल और केवल ऊपर वाला सेम है, बदला कौन है, तो ये कौन सा वाला ग्लूकोज है, एल ग्लूकोज, कौन सा वाला ग्लूकोज है, समझ में आया, ये किससे बना होगा, एल ग्रिसेल्डिहाइड से, किससे बना होगा, और ये किससे बना होगा, डी ग्रिसेल्डिहाइड से, समझ में आ गया, ये वाला ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ही ज़्यादा इजी था, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना कि तुम्हें चार सिंबल तुम्हें मिले होंगे अभी तक, कैपिटल डी कैपिटल एल स्मॉल एल, डी का मतलब क्या हो रहा है बेटा, ये डी एक टाइप का कन्फिग्रेशन है, डी एक टाइप का क्या बेटा, कन्फिग्रेशन ही बोलेंगे ना इसको, ये एक टाइप का क्या है बेटा, कन्फिग्रेशन है, लेकिन ये क्या बता रहा है बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अंतर है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बता रहा है, ये क्या बता रहा है, डेक्स्ट्रो
रोटेटरी मतलब डी आपका प्लस और माइनस साइन को बता रहा है, डी आपका किसको बता रहा है, ये स्मॉल एन मतलब कौन सा रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ठीक है। ये क्या होगा बेटा एक तरीके का कॉन्फ़िगरेशन। अब ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, तो ये दोनों तो हम किससे डिफाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंटली। हमें मैंने मैंने कभी कभी मैंने आरएस निकाला है तो कभी मैंने आरएस पे लिखा है प्लस माइनस नहीं लिखा है ना, क्या मैं अभी भी प्लस और माइनस क्यों नहीं लिखता मैं, हमको थोड़ी ना पता है वो कितना है, हमको इतना पता है ये आर होगा तो वो एस होगा, वो एस होगा तो ये आर होगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होंगे वो अलग बात है, लेकिन प्लस और माइनस साइन हम किससे निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटली डिफाइन होगा। प्लस और माइनस साइन का मतलब है इसका एंगल, मतलब प्लस थीटा और ये होगा माइनस थीटा, इस चीज़ों से डिफाइन होता है ये। ये थोड़ा नोट डाउन कर लिख लो स्पेशल पॉइंट करके, सिंपल है थोड़ा सा। ये हो गया तुम्हारा क्या डी वाला, डी वाला समझ में आ गया, डी किसे बोलेंगे और एल किसे बोलेंगे, डी किसे बोलेंगे एल किसे बोलेंगे। तो ये तो तुम्हारा पूरा बायोमोलिक्यूल इस पर इसके ऊपर डिपेंड है, समझ में आया। अब बताओ इसको क्या बोलेंगे, एक और बना देता हूँ, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन की चिंता मत करो, क्वेश्चन तो मेरे पास, क्वेश्चन मेरे पास इतने हैं कि आप लोग क्वेश्चन कर करके थक जाओगे। बस तुम लोग अपनी तबीयत का ध्यान रखो। अब बोलो ये कौन सा वाला होगा यूनिट, डी आई एल, आसान था कि टफ था, ये यही ज़्यादा आसान था पूरे आइसोमर में। नीचे वाला ध्यान रखो, फटाफट पता टिक मार दो। तो यहाँ पर कौन सा यूनिट है ये बेटा आपका, डी आइसोमर, ये कौन सा होगा बेटा, डी आइसोमर, याद रहेगा बेटा। ये मैं सिमिलर चीज़ें तुमको पढ़ाने वाला हूँ बायोमोलिक्यूल नाम के चैप्टर में, क्लास 12 बायोमोलिक्यूल में फिर से पढ़ाने वाला हूँ। सो अभी तुम लोग ध्यान रखोगे तो उस टाइम तुम्हारा इजी जाएगा, तो याद रखो ठीक है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल में एक और नया आइटम आएगा, एनोमर्स, एनोमर्स आएगा, जो मैं यहाँ ज़बरदस्ती पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, काम की बातें पढ़ पढ़ाओ, जिस चैप्टर में जो चीज़ दिया होता है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया डी एल, अब चालू करते एक और यहाँ पर। अब क्या होता है बेटा, रिटेंशन एंड इन्वर्जन लिखो, रिटेंशन एंड इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, अगला लिखो रिटेंशन एंड इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, हाँ लिख लो लिख लो, सारा टाइम लगेगा के लिखने में, दो मिनट लिखो तुम लोग, मैं पानी पी लेता हूँ ठीक है। जब बोर्ड बड़ा लिखने का मिलता है तो पता ही है ना, अब तक मैं तीन दो पूरा लिख चुका होता बेटा, कोई बात नहीं। देखो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा ठीक है ना। अभी तुम लोग है ना, कितना पिकअप आ गया तुम्हारे ऑर्गेनिक में, आ गया ना पिकअप, ऑर्गेनिक में डाउट है फिजिकल में होगा, रिविजन छूट गया ना। हम लोग ऐसा कर सकते थे ना सर, आप है ना पांच क्वेश्चन डेली है ना दे, उसके भी दे दो, हम लोग सर से डिस्कस कर लेंगे, ऐसा करते तो फ़ायदा मिलता ना, दोनों पिकअप में रहते ना। क्या मैं गलत बोल रहा कि सही बोल रहा हूँ,
क्या आप जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो क्या मैं उसके भी पांच पांच क्वेश्चन दूँ आपको, जिससे क्या होगा पूरा चैप्टर आपका कंबाइनली रिवाइज में रहेगा। जीओसी की तो चिंता नहीं होगी तुम्हें? जीओसी की चिंता है? आइसोमर की, नोमेनक्लेचर की, वो पूरा याद हुआ क्या होगा डीके सिंह कर करके बेटा। अगर एक दो दिन की बाय द वे छुट्टी भी लगे ना तो पूरा डीके सिंह एक बार रिवाइज मार लेना। कैसी लगी बुक तुम्हें? हिमांशु पांडे कर रहा हूँ ये या फिर डीके सिंह ही कर रहा हूँ? उससे क्या होता है एक एक लाइन पे क्वेश्चन है उसमें, थियोरी भी याद हो जाती है। चलो करो। वो एकमात्र मैं ही करता हूँ यूज। सर 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 हाँ सर 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 बस कुछ छोटा हो गया ना बोर्ड। विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोर्ड भी तुम्हारा छोटा हो गया। अब देखो इधर अगला दे दे, देख लेते बेटा पॉइंट। देखो यहाँ पर अगला पॉइंट बड़ा ही इजी हम लेंगे, रिटेंशन एंड इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। देखो किसी भी मॉलिक्यूल में रिटेंशन हुआ है या इन्वर्जन हुआ है हम लोग है ना ट्रिक में नहीं लिखाऊंगा। हम लोगों को कैलकुलेट करना अच्छे से आता है? क्या हम लोगों को कैलकुलेट करना नहीं आता? आता है ना कैलकुलेट करना, तो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। ठीक है, हम लोग आर और एस निकाल निकाल के बताएंगे। ठीक है ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल चलते रिटेंशन वर्ड का मतलब क्या है, रिटेंशन वर्ड का मतलब क्या होगा? आप लोग रिटेन का मतलब क्या समझते हो? अपनी पोजीशन को होल्ड करना। रिटेन, रिटेन करना मतलब। और इन्वर्जन का मतलब अपनी पोजीशन को उल्टा कर देना। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? कोई मॉलिक्यूल पहले आर था, रिएक्शन के बाद वो आर हो जाए तो? कोई मॉलिक्यूल पहले आर था बाद में क्या हो जाए, इसका मतलब? अब बोलो इजी था कि टफ था? तो फिर लिखो रिटेंशन का मतलब क्या बोलोगे? बोलो रिटेंशन वर्ड का मतलब क्या बोलोगे? रिटेन द पोजीशन। क्या? रिटेन द कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करना आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन से अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करना, मतलब रिएक्शन के बाद अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करना। मतलब रिटेन कहाँ करेगा? सी स्टार पर। कहाँ करेगा? सी स्टार पर। और अगर मैं बोलूँ इन्वर्जन तो क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो? इन्वर्ट द कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के बाद अपनी कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर देना बेटा, इन्वर्ट कर देना। उसको क्या बोलेंगे बेटा? इन्वर्जन। बात समझ में आ गई? नहीं आई? चलो एग्जांपल देख लेते, कंसीडर एग्जांपल से हम बात कर लेते, एग्जांपल तुमको ज़्यादा समझ में आएंगे। इसकी रिएक्शन मैंने कराई, रिएक्शन अभी फोकस मत करना, ठीक है ना? रिएक्शन में बाद में तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है ना? रिएक्शन का जब टाइम आएगा ना तब मैं तुम्हें रिएक्शन निकालना भी बता दूंगा, ठीक है? अभी तक तो इतना तो बता दिया ना, तो रिएक्शन निकालना बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा? बता दूंगा मैं, वो तरीका है, इजीली तुमको आएगा। ऑर्गेनिक इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, बस कंसेप्चुअली लॉजिकली। अब बताओ यहाँ पर पोजिशन बताओ, इसका क्या होगा? कन्फिग्रेशन निकालो, ये कौन सा कन्फिगर्ड है? ये CL1, इसको नीचे लाएंगे ये ऊपर जाएगा, टी यहाँ जाएगा, CL यहाँ जाएगा, 1 2 3। तो कौन सा कन्फिगरेशन होगा?
एस कॉन्फ़िगरेशन, समझ में आया? अब यहाँ पर बोलो, ये आपका होगा वन, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा डी, टी यहाँ आएगा ओ एच ओ ओ टी डी आएगा ना, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा? क्या हुआ बेटा बोलो, समझ में आ गया? आप तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया? इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? सी स्टार क्या कर रहा है? रिटेन द कॉन्फ़िगरेशन, अपने कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन कर रहा है। रिटेन द कॉन्फ़िगरेशन मतलब अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन कर रहा है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, बोल बोल कौन सा बोलेंगे बेटा? रिटेंशन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? रिटेंशन प्रोडक्ट। समझ में आया? समझ में आ गया? उसको हम क्या बोलेंगे? रिटेंशन प्रोडक्ट। ठीक है, एक्चुअली ये आपका SN2 टाइप रिएक्शन है। कौन सा है? SN2 टाइप। ये मैं बताऊंगा बाद में तुमको, ये मैं तुमको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना? SN2 टाइप बोलते हैं इस रिएक्शन को। आगे देख लेते बेटा, यहाँ पर एक और ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी? इसका मैंने हाइड्रोलाइसिस करा दिया। इसकी रिएक्शन मैंने कराई किसके साथ? दो मिनट, इसकी रिएक्शन मैंने एल्डिहाइड के साथ करा दी। हाँ, एल्डिहाइड के साथ करा दो। इसकी रिएक्शन तुम क्या कराओ, तुम एक काम करो ना, MgBr है ना, इसकी रिएक्शन MgBr की रिएक्शन अगर तुमने हाँ CH3COH के साथ करा दी तो आपका क्या बनेगा बेटा? देख लेता हूँ मैं पहले प्रोडक्ट बना देता हूँ, ठीक है ना? माइनस चार्ज यहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3CH2OH CH3CH2OH और यहाँ पर H। अब बताओ जल्दी से क्या होगा? शुरुआत में कौन सा कन्फिगर्ड है? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो सीधा ही है इसमें एस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है इसमें? एस कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें निकालना चाहो तो बोलो, ये आपका अब वन कौन होगा? ये होगा वन, ये CH2CH3 होगा, ठीक है ना? वन और ये टू और ये थ्री, ये भी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आया? मतलब क्या हुआ, किसने अपनी पोजीशन को रिटेन किया? सी स्टार ने, ये कायरल सेंटर ने अपनी पोजीशन को रिटेन किया। तो जो प्रोडक्ट बना उसको क्या बोलेंगे? रिटेंशन प्रोडक्ट। कौन सा बोलेंगे? रिटेंशन प्रोडक्ट। समझ में आ गया? अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि तुम्हें और क्लियर हो जाए बच्चों अच्छे से। रिटेंशन समझ में आ गया? चलो टेंशन तुम्हें समझ में आ गया तो चलेगा, ठीक है ना? एक और एग्जांपल लिख देता हूं मैं, कौन सा प्रोडक्ट बना?
सपोज क्या है, ये सारे ना रिएक्शन सपोज किए हुए हैं, बोलो यहाँ पर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? एस कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर कौन सा है? ऐसी है ना, देखो ना, 1, 2, 3, 4 ये यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, 1, 2, 3 ये एस है, और ये वाला बताओ, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, 4 या 1 यहाँ, कौन सा होगा ये भी? एस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये भी क्या हुआ बेटा आपका? रिटेंशन प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? रिटेंशन प्रोडक्ट समझ में आ गया। अब देखो इधर, यहाँ पर आप बोलो, चेक करो इसका कॉन्फ़िगरेशन। लोएस्ट प्रायोरिटी वाला तो नीचे ही है, नीचे ही है, 1, 2, 3 कौन सा है? एस कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला चेक करो, आर कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको क्या बोलेंगे? आर कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। तो ये कौन सा प्रोडक्ट होगा बेटा आपका? इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा। कौन सा होगा? समझ में आ गया आप तुम्हें? समझ में आ गया कैसे निकाल रहा हूँ मैं? मैं ऐसे नहीं कर रहा कि मैंने ना मतलब अपनी, देखो कई कई बुकों में आपको ऐसा दिखेगा, कई कई बुकों में शॉर्टकट के लिए जहाँ सी एल है वहीं आ जाए, तो जहाँ सी एल है वहीं आ जाए तो रिटेंशन, मतलब जहाँ एम जी बी आर है वहीं कंपाउंड आ जाए तो रिटेंशन, जहाँ कंपाउंड है वहीं अगर आ जाए तो रिटेंशन। ऐसा नहीं है, हमारा कैसा है थीम बेटा? कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा, हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे बेटा? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाला तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब बोलो इसमें रिटेंशन होगा कि इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाए? इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनाए, रिटेंशन बनाए कि इन्वर्जन? इसमें रिटेंशन बनाए कि इन्वर्जन? रिटेंशन बनाए कि इन्वर्जन, बोलो। हाँ, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द रिटेंशन एंड इन्वर्जन प्रोडक्ट। रिटेंशन एंड इन्वर्जन प्रोडक्ट क्यों बेटा? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कायरल सेंटर। मतलब इसका मतलब क्या समझ में आया? नोट डाल के एक पॉइंट लिख सकते हैं, रिएक्शन सेंटर शुड बी तभी हम रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट का डिटरमिनेशन मतलब है ना डिटरमाइन कर सकते हैं। तो नोट डाल के लिखो पॉइंट स्पेशल मार्जिन लाइन के ऊपर, फॉर डिटरमाइन
फॉर डिटरमाइन रिटेंशन एंड इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर डिटरमाइन रिएक्शन रिटेंशन एंड इन्वर्जन प्रोडक्ट रिएक्शन सेंटर शुड बी कायरल सेंटर रिएक्शन सेंटर शुड बी अब क्लियर हुआ कंसेप्ट क्लियर हो गया पक्का अब तुम्हें एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको डील करना है ठीक है तो चलो एक दो क्वेश्चन लिए जाए वापस से एक दो क्वेश्चन लिए जाए कोई प्रॉब्लम नहीं साइक्लिक फॉर्म में भी आएगा जब मैं रिएक्शन कराऊंगा ना तब वापस से रिपीट करूंगा मैंने तुम्हें बस अभी इंट्रोडक्शन दिया है बेसिक बताया है कि रिटेंशन क्या होता है इन्वर्जन क्या होता है ठीक है ना ये रिएक्शन के लिए टूल और किट है रिएक्शन के लिए टूल किट है जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो मैं सीधा बोलूंगा इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा रिटेंशन बनेगा तो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि इन्वर्जन मतलब सर क्या बताना चाह रहे और रिटेंशन मतलब सर क्या बताना चाह रहे बस यही है देखो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैंने आइसोमर स्टार्ट करने से पहले उसका टूल किट लिखाया था DOU तो फिर गया ना इजी तो फिर इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं अभी जो पॉइंट बताने वाला हूँ ना अभी जो पॉइंट बता रहा हूँ अब मैं वो सारे रिएक्शन के लिए खेल है सारे रिएक्शन में काम आएंगे सारे A to Z तो अगर तुम्हें रिएक्शन को स्ट्रॉन्ग करना हो तो क्या करोगे बेटा बार बार इसको रिवाइज कर लोगे बस आइसोमर तुमने अगर अच्छा कर दिया ना तो आधे मतलब टफ से टफ रिएक्शन तुम चुटकियों में सोल्व कर लोगे तो अब देखो मैच द कॉलम क्वेश्चन करें फेवरेट क्वेश्चन मेरा मैच द कॉलम करने में फ़ायदा मिलता है या फिर मैच द कॉलम में क्यों एक साथ सारे क्वेश्चन हमें आ जाते हैं देखो जल्दी जल्दी कर लेते लिस्ट वन लिस्ट टू ठीक है और तुम्हें अगर एडवांस में मेज द कॉलम आएगा तो तुम्हें आइडिया तो लग जाएगा कि कैसे करते हैं मेज द कॉलम अब देखो पहला वो ऑप्शन इफ हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ठीक है अगला if highest priority group is replaced by highest priority group ठीक है अब यहाँ पर PQR R2S configured product
रिएक्टेड, ठीक है ना, आर कॉन्फ़िगरेशन से एस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन से और यहाँ पर एस कॉन्फ़िगरेशन, क्यू क्या होगा बेटा, आर कॉन्फ़िगरेशन से यह आपका रिएक्टेंट है और यह आपका आर कॉन्फ़िगरेशन, आर एस कॉन्फ़िगरेशन से एस कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट और ये आपका रिएक्टेंट एस का एस कॉन्फ़िगरेशन से आर कॉन्फ़िगरेशन, फोर्थ एफ हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप देखो बेटा, सारे के सारे कायरल है, सारे के सारे प्रेजेंस ऑफ सी स्टार, यहाँ पर भी क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ सी स्टार, रिएक्शन सेंटर शुड बी सी स्टार, ठीक है ना, रिएक्शन सेंटर क्या होगा सी स्टार, अब बोलो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, फटाफट बताओ, बहुत ही डामाडोल क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, आया है सबको, चलो कोई एक मॉलिक्यूल मान लेते हैं, कोई एक मॉलिक्यूल मान ले, ठीक है मान ले, कोई एक मॉलिक्यूल मान लेते हैं, जैसे मैंने माना Cl(I)CH3C2H5, ठीक है, हाँ अब देखो ये मैंने मान लिया रिएक्शन सेंटर है, ठीक है, अब इन सब में से हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आई का है, अब क्या बोल रहा है, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप रिप्लेस बाय, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, सेकंड हाईएस्ट, मतलब इसमें जो जोड़ने के बाद वो कौन सा हो जाए बेटा, सेकंड हाईएस्ट हो जाए, तो वो कौन सा होगा एफ, तो वो कौन सा होगा एफ, इसको डी मान लेते ताकि हम सब में बता सकते हैं, मतलब अब देखो ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाला है, अब इसमें ऐसा मॉलिक्यूल जोड़ना है उसका सेकंड प्रायोरिटी आ जाए, तो कौन सा जोड़े, एफ जोड़े, एफ जोड़ने पर क्या आ रहा है बेटा, सोचो, ये एग्जाम्पल के थ्रू हम सोल्व कर रहे हैं, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू सोल्व कर रहे हैं, इसको ऐसे डील करना है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर क्लोरीन नहीं हटेगा, एफ को ही हटाएंगे, ठीक है ना, अब बोलो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो आई को हटा के, क्या बोला था क्वेश्चन, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज रिप्लेस बाय सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी है ना, आप इसमें बोलो आप जल्दी से, यहाँ कौन सा कॉन्फ़िगरेशन था आर, और यहाँ कौन सा निकाल के देखो, पहले चेक करो, ये वाला इधर, ये ऐसी है, ये आपका ऐसे, ये वाला आर, क्यों सी एल डी यहीं पर है, तो वैसे ही है अरेंज, तो वन टू थ्री, तो ये कौन सा हो गया आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसका मतलब क्या होगा एस टू आर भी जा सकता है,
H2R आपका जाएगा प्रोडक्ट। अगर मैंने यहाँ पर R माना हुआ होता तो, यहाँ पर मैंने R माना हुआ होता तो, अगर मैंने ऐसा भी माना हुआ होता मॉलिक्यूल तो क्या हो जाता, R2S आपका हो जाता। अगर ऐसा माना हुआ होता तो क्या बनता प्रोडक्ट, जल्दी बोलो। F हाईएस्ट प्रायोरिटी को हटाया, अब बनाओ बनाओ। अब ये कौन सा है, आर ए, अब ये कौन सा आया, तो अब समझ में आया। अगर मैंने फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी से बदलूंगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, या तो R2S H2R, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट का P और S। अब समझ में आया क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आर रिप्लेस बाय थर्ड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट कौन सा होगा, थर्ड हाईएस्ट का नाम क्या आएगा, टी बोल दे, मैं टी से रिप्लेस कर दूं, टी टी का अगर मैं यहां डालूंगा तो थर्ड पे आएगा ना, तो टी को डाल दे, टी को डाल देते ठीक है ना, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, रिएक्शन नहीं हम सपोज कर रहे हैं केवल और केवल, ठीक है ना। ये पहले वाले में और दो दूसरे वाले में बोलो क्या आएगा, अब बोलो क्या हुआ, यहां कौन सा है, यहां कौन सा है ऐसे, और यहां कौन सा है एस, कैसे आएगा, 1 2 3, हाँ कौन सा आएगा, तो H2S, ये कौन सा है, यहाँ पर भी क्या रहा है, R2R। तो इसका मतलब अगर मैंने क्या, थर्ड हाईएस्ट, हाँ थर्ड हाईएस्ट पर रिप्लेस किया तो सेकंड का ऑप्शन क्या आएगा, Q और R, समझ में आ गया। अब थर्ड वाला बताओ, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप से चेंज कर दिया, मतलब यहाँ पर मैंने कौन सा ग्रुप लिया, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो मैं कौन सा ले लूँ बेटा, बीआर ले लूँ, बीआर लेने से हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी ना उसको, तो यहाँ पर बीआर कर दिया और यहाँ पर डी कर दिया, एक बार क्या बनेगा, ये वाला भी बन सकता है, दोनों बन सकते हैं ना, यह आपका आर ओ रेस तो हो सकता है ना शुरुआत वाला, तो बोलो जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो क्या हो जाएगा, ये एस तो ये भी, ये आर तो ये भी, तो क्या आ जाएगा इसका भी, ठीक है। अगला बोलो, लोएस्ट प्रायोरिटी वाले से एक्सचेंज करते हैं हम लोग, बोलो जल्दी से, CH3, अब क्या करें, थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी डालना है हमको ग्रुप में, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला डालना है ना, तो एच डाल दिया, सबको सपोज कर रहे हैं हम लोग, ये अपनी मर्जी से मत कर देना, तुम्हें अभी समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, बताओ क्या बनेगा, अब इसमें उल्टा सुलटा करना पड़ेगा थोड़ा सा, करो, इसका तो क्या है S, इसका क्या है R, ये बात पता है, अब इसका R आएगा और इसका क्या आएगा, इसको नीचे किया इसको ऊपर किया, इसको नीचे किया इसको ऊपर किया, 1 2 3 R और ये S, ये R और ये S, मतलब क्या समझ में आया, हाँ तो क्या आएगा फोर्थ का, P और S, बात समझ में आ गया। अब देखो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको इन शॉर्ट में कभी कभी हम लोग बोलते हैं इसको 1 3 1 2, क्या बोलेंगे, 1 2 में क्या होगा, रिटेंशन हो रहा है कि इन्वर्जन हो रहा है, 1 को से फर्स्ट प्रायोरिटी वाले को अगर मैं सेकंड प्रायोरिटी वाले से, हाँ फर्स्ट प्रायोरिटी वालों को अगर मैं सेकंड प्रायोरिटी वाले से बदलूंगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन, समझ में आया। अगर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी वालों को थर्ड प्रायोरिटी वाले से बदलूंगा तो क्या होगा, रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, समझ में आया आप तुम्हें, अगर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी वालों को फर्स्ट प्रायोरिटी वाले से ही बदलूंगा तो क्या होगा, रिटेंशन, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से, अगर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी वालों को फोर्थ प्रायोरिटी वाले से बदलूंगा तो क्या हो जाएगा, आप समझ में आ गए तुम लोगों को। तो यहाँ पर आपका पी और एस कौन सा होगा, 1 for inversion, कौन सा होगा, 1 for inversion को बताएगा। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है 1 for है कि 1 2 inversion है,
अगर 1,4 और 1,2 इन्वर्जन बोलता तो तुम्हारा आ जाता। देखो इसको मैं थोड़ा और ब्रॉड कर देता हूँ क्वेश्चन को, लिस्ट 3, ठीक है, इसको बोला 1,2 इन्वर्जन, नहीं इसको बोला मैंने, यहाँ पर तो लिख दिया है लेकिन इसको हटा के, तुम्हें समझ में आ गया ना इन्वर्जन? तो अभी मैं बता देता हूँ, इसको मैंने बोल दिया 1,4 रिटेंशन, सॉरी 1,4 इन्वर्जन बोला, क्या बोला, 1,4 इन्वर्जन, इसको मैंने बोला 1,2 इन्वर्जन, 1,1 रिटेंशन, और मैंने बोला 1,3 रिटेंशन। अब बोलो जल्दी से क्या बनेगा प्रोडक्ट, फर्स्ट का पी और एस, और पी और एस का मतलब कौन सा होना चाहिए, पी और एस का मतलब क्या होना चाहिए, पी और एस में फर्स्ट प्रायोरिटी आपका सेकंड से बदला है, मतलब 1,2 इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन 1,2 इन्वर्जन मतलब क्या आ जाएगा, इसको मैंने बोल दिया ए बी सी डी, बोलो क्या आ जाएगा, इसका बी आ जाएगा, अब इसका बोलो फर्स्ट को थर्ड प्रायोरिटी से बदला है तो ये रहा रिटेंशन ही हो रहा है ना आपका, तो क्या आ जाएगा बेटा डी। अगला बोलो सी आ जाएगा, फर्स्ट को फर्स्ट से बदला है मतलब सी आ जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ए। अगर बेटा वहाँ पर दो ही ऑप्शन होते इन्वर्जन और रिटेंशन तो क्या लिखते आपको, 1,4,1,2 तो एक्सप्लेन नहीं है ना, तो ना इसका भी क्या लिखते, इसका इन्वर्जन लिखा है और इसका भी क्या, इसका रिटेंशन, तो इसका लिखते, अगर मैंने ऊपर दिया होता केवल और केवल इन्वर्जन, नीचे क्या दिया होता केवल और केवल रिटेंशन, और मैंने ए और बी ऑप्शन दिया होता तो यहाँ पर क्या आता, ए आ जाता, यहाँ पर, यहाँ पर रिटेंशन, यहाँ पर, समझ में आ गया। इस तरीके से भी ऑप्शन मिल सकते हैं, चलो लिख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। लेवल अच्छा था क्वेश्चन का, बस ये था क्वेश्चन कि आपको अगर समझ में आ जाए तो फिर सब चीज़ों का खेल तुम्हें आ जाएगा। चलो ठीक है, अगला टॉपिक चलते हैं बेटा, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसको तो तुम लोग खुद कर लोगे ना, ये तो मैंने एग्जांपल के थ्रू किया है, तुम लोगों को सोचना है इतना तो, ठीक है। कोई क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, पूरा आंसर लिख लिया इसका, जल्दी एक बार इन्हें समझ के कर लो बेटा, देख लो समझ के।
अब लिखो, देखो अब परसेंटेज रिटेंशन, परसेंटेज वो रिटेंशन, परसेंटेज वो रिटेंशन कोमा डालना, परसेंटेज इन्वर्जन, परसेंटेज इन्वर्जन कोमा डालना, परसेंटेज रेसेमाइजेशन, परसेंटेज वो रेसेमाइजेशन RACE लिख लो, RACE रेसेमाइजेशन, बाद में मैं लिखूंगा तो सही कर लेना, परसेंटेज रेसेमाइजेशन कोमा परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी। अभी चार टर्म्स है बेटा, ठीक है। अब क्या होता है, कोई भी हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं ना, तो उसमें कुछ है ना रेसेमाइ, कुछ आपके रेसेमिक प्रोडक्ट बनते हैं। रेसेमिक मतलब दोनों, मतलब एंगल वाला बताया था रेसेमिक मिक्सचर, क्या बताया था, एंगल वाला। और कुछ आपका, अगर अगर मुझे ये बताओ, थोड़ा सपोज करो, अगर मेरा इन्वर्जन प्रोडक्ट ज़्यादा बना और रिटेंशन प्रोडक्ट कम बना, मतलब जैसे मैंने बोला इन्वर्जन मेरा 60% बना, समझ पा रहे हो बात, इन्वर्जन मतलब उल्टा हो रहा है, 60% बना प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बने जी, जैसे समझना, मैं कंसेप्चुअली समझाऊंगा तुमको, ठीक है। आर ए, आर से मेरा आर बना और आर से मेरा एक एस बना, समझ में आया। ये मेरा 40% बना, ये मेरा 60% बना, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो कहाँ की ओर होगा, वो एस वाला होगा कि आर वाला होगा, एस वाला होगा, ये तो बात समझ में आ गई तुम्हें। और कितना परसेंट एस वाला होगा, 20%, क्यों, क्योंकि इसका आर का जो 40% है वो एस के 40% को न्यूट्रलाइज, और मैंने बोला कि आर और एस अगर सेम अमाउंट में होंगे तो इसका मतलब वो क्या होगा, रेसेमिक मिक्सचर, समझ में आया। और अगर आर और एस 40% मिल जाएंगे तो रेसेमिक मिक्सचर ऑप्टिकल एक्टिव होता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ना रेसेमिक मिक्सचर, क्या होगा ऑप्टिकली, अगर वो आपका 40% आ रहे और 40% ऐसे है तो मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या अगर रेसेमिक मिक्सचर सार ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होगा, और ऑप्टिकली प्योरिटी लास्ट टाइम पढ़ा है ना, ऑप्टिकली प्योर कौन सा होगा, जो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और ऑप्टिकल एक्टिव कितना होगा, ऑप्टिकली प्योर, समझ में आया नहीं आया, नहीं आया, दिमाग लगा कुछ, लॉजिकली नहीं समझ पाए, नहीं आया। अगर कोई रिएक्शन आपको बोला कि उसमें 40% 20% आपका ना वो रिटेंशन बन रहा है, तो इन्वर्जन कितना बना होगा, हाँ 20% आपका वो रिटेंशन प्रोडक्ट बना है, तो इन्वर्जन कितना बना होगा, 80%। रेसेमाइजेशन कितना हुआ होगा, 40%। प्योर कौन सा बना होगा, कौन सा 40 या 60, हाँ तो कितना, कौन सा वाला होगा, एस वाला, नहीं इन्वर्जन या फिर रिटेंशन, समझ में आ गया, नहीं आया। एक और करें, अगर मेरा कोई प्रोडक्ट बनाए 50% मेरा रिटेंशन बनाए, तो इन्वर्जन कितना बना होगा, रिटेंशन मेरा 50% बनाए तो इन्वर्जन कितना बना होगा, इन्वर्जन जस्ट उसका उल्टा 50%, तो रेसेमाइजेशन कितना हुआ, 100%, मतलब दोनों मिल गए। और ऑप्टिकल प्योर कितना बना होगा, नहीं बना होगा। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली कंप्लीटली कोई भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाएगा, समझ में आया, नहीं आया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, 30% मेरा क्या है, इन्वर्जन, 30% मैंने मान लिया इन्वर्जन, कितना परसेंट बना होगा, 70% आपका रिटेंशन बना होगा, उसके बाद बोलो 40% क्या, 40% प्योर, तो इम्प्योर मतलब रेसेमाइजेशन 60%,
नहीं आया आखिर। अरे बेटा जितना इन्वर्जन है उतना अगर रिटेंशन हो जाएगा तो रेसेमाइजेशन क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऑप्टिकली इनएक्टिव को क्या चाहिए? जितना इन्वर्जन हो जाए उतना ही रिटेंशन मिल जाए, तभी इंसान, तभी आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ना। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो अगर मुझे ये बताओ, अगर किसी का प्रोडक्ट मेरा, सुनना, किसी का प्रोडक्ट मेरा ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है? ऑप्टिकली एक्टिव मिल रहा है, तो उसके बारे में तो तुम कौन कौन सी लाइनें बोल सकते हो बताओ? उसके बारे में कौन कौन सी लाइनें बोल सकते हो? रेसेमाइजेशन वहाँ हुआ होगा? हुआ होगा ना। 100% से अगर कम मिलेगा तो भी तो होगा, रेसेमाइजेशन वहाँ वो हुआ होगा बोल सकते हैं? नहीं समझ में आया? अगर मान लो 50% इन्वर्जन बना, 50% रिटेंशन बना, तो ही आपका क्या होगा? रेसेमाइजेशन 100% और ऑप्टिकली प्योर। हाँ, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव तो थोड़ा बहुत बचता है ना। थोड़ा सोचो, अगर 30% आपका रिटेंशन हुआ तो बचा हुआ कितना होगा? 70% इन्वर्जन हुआ तो रेसेमाइजेशन 60% और 40% तो ऑप्टिकली एक्टिव तो हुआ, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो भी उसमें रेसेमाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना 60%। नहीं आया समझ में? ये परसेंटेज वाला खेल समझ में आया? चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द परसेंटेज रिटेंशन, फाइंड द परसेंटेज रिटेंशन एंड कोई भी केमिकल रिएक्शन है ना, इन चारों टर्म्स एक साथ ना लाई कर सकती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। और अब तुम समझ गए कि आपके कई अगर रिएक्शन आएगी तो कौन कौन से टर्म आपको घुमा सकते हैं। ये सारे टर्म्स ऐसे टर्म्स है, आपको बोलना प्योर ऑप्टिकली एक्टिव, तो उसका मतलब ये समझ लेना, प्योर ऑप्टिकली एक्टिव मतलब रेसेमाइजेशन विल बी जीरो, प्योर ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बनाए। और अगर बोले इम्प्योर ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बनाए, इसका मतलब वहां पर आपका रेसेमाइजेशन भी हुआ है। समझ में आया? चलो देख लेते हैं, अभी क्वेश्चन लिखाता हूँ एक अच्छा वाला, ताकि तुमको समझ में आ जाए सारा कंसेप्ट। लिखो, कैलकुलेट द परसेंटेज रिटेंशन, परसेंटेज इन्वर्जन, परसेंटेज रेसेमाइजेशन एंड परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी इन फॉलोइंग टेबल। अब देखो, परसेंटेज रिटेंशन परसेंटेज रेसेमाइजेशन, और यहां पर है परसेंटेज ऑप्टिकली प्योर।
अभी कुछ क्वेश्चन है, अभी आपको सब पता पड़ जाएगा, सब पता पड़ जाएगा एक एक करके। रिटेंशन 60% है तो आपका इन्वर्जन कितना होगा? 40%। समझ में आ गया? रेसेमाइजेशन मतलब ये 40 है, ये इसका भी 40 लेके क्या कर देगा? ये 40 है, इसका भी 40 लेके क्या कर देगा? ये न्यूट्रल कर देगा, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना हो जाएगा वो? 80%। अब मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कितना बचा? 20%। कौन सा वाला बचेगा, रिटेंशन या इन्वर्जन? रिटेंशन, क्योंकि इसका 40% इसके 40% को ही कर पाएगा, तो इसका कितना बचेगा? तो रिटेंशन बचा ना। तो मतलब फाइनल प्रोडक्ट में ज़्यादा फाइनल प्रोडक्ट क्या करेगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी को राइट साइड रोटेट कर देगा, मतलब क्लॉकवाइज साइड। तो यहाँ पर क्या आएगा? रिटेंशन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगर मान लो ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो प्रोडक्ट है ना, कौन से प्रोडक्ट प्लेन पोलराइज लाइट को कौन से डायरेक्शन में घुमाएगा, प्लस साइड या माइनस साइड? समझ में आ गया? अब ये बताओ यहाँ कितना होगा रिटेंशन? 20% रिटेंशन होगा, तो रेसेमाइजेशन कितना हुआ? 60 क्यों? 60 क्यों? इसका 20 इसके 20 को लेगा ना, तो कितना आ जाएगा? 40%। तो ऑप्टिकली प्योर कितना बचेगा? 60%। ऑप्टिकली प्योर का मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिविटी इतना ही दिखाएगा, इतना मतलब अगर आपका मतलब प्रोडक्ट बनाए वन मोल आपका प्रोडक्ट बनाए, तो कितना मोल आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा? 0.6 मोल आपके ऑप्टिकली एक्टिव दिखाएगा, बाकी 0.4 मोल आपका ऑप्टिकली एक्टिविटी शो। समझ में आया? यहाँ से मैं फिजिकल उठा सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी बोलो, इन्वर्जन। यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब बोलो, यहाँ पर बोलो आप, तो जल्दी जल्दी। यह आपका क्या हो जाएगा? ये 70% रेसेमाइजेशन हुआ, और प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है? इसका मतलब रिटेंशन अगर आपका क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है? रिटेंशन आपका ज़्यादा होगा। अगर मैंने इसको 35% और 35% मिलके ही आपका 70% हुआ होगा, तो रिटेंशन प्रोडक्ट अगर आपका ज़्यादा, तो रिटेंशन कितना ज़्यादा होगा? 30%। तो ये कितना हो गया टोटल, बोलो? 65% हो जाएगा ये। अब ये 65% हो गया, तो आपका कितना रिटेंशन बचेगा? समझ में आ गया? समझ में आ गया कैसे डील कर रहा हूँ? ये दोनों रेसेमाइजेशन में इक्वल अमाउंट में रिटेंशन होते हैं और इक्वल अमाउंट में इन्वर्जन होता है। आप बोलो, ये 40% है तो वो रेसेमाइजेशन कितना हुआ? 60%। तो यहाँ पर ये 30% इसका रेसेमाइजेशन हुआ होगा और 30% इसका, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट है? इन्वर्जन है, तो इन्वर्जन का आपका ज़्यादा होगा, तो ये 40% जोड़ दो, कितना हो जाएगा बेटा ये आपका टोटल? अब समझ में आ गया क्वेश्चन? इजी था कि टफ था? इजी था। अब ये कितना है? 40% मतलब 60% आपका रेसेमाइजेशन हुआ होगा, और रेसेमाइजेशन में ये 30% होगा, तो ये भी कितना होगा? 30%। लेकिन मिला भी तो मुझे है रिटेंशन, रिटेंशन में क्या होगा? ये कितना आया? समझ में आया? अब ये बताओ यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा बोलो? ये 0% होगा, तो यहाँ पर ये कितना होगा? यहाँ पर ये क्या होगा? 50%। ना 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 ना, ये आपका 50-50 तो होगा ही नहीं ना, ये आपका 0% और ये आपका क्या हो जाएगा? 100%। तो कुछ समझ में आया? इफ प्रोडक्ट विल बी, बोलो, अगर प्रोडक्ट, यहाँ पर दो तीन लाइनें लिखा रहा हूँ मैं, मुझे बताना। इफ प्रोडक्ट विल बी 100% ऑप्टिकली प्योर, तो इससे क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है?
रेसेमाइजेशन मतलब रेसेमाइजेशन नहीं होगा तो मतलब केवल और केवल 100% क्या होगा, इन्वर्जन होगा, मतलब प्रोडक्ट आपका 100% बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 100% इन्वर्जन होने का चांसेस है, 100% क्या होने का चांसेस है, इन्वर्जन, और 100% क्या होगा, 0%, इसका मतलब क्या होगा, रेसेमाइजेशन होगा, 0% क्या होगा। अब समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अब देखो सेकंड, इफ प्रोडक्ट विल ऑप्टिकली इम्प्योर, इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट अगर आपका ऑप्टिकली इम्प्योर है इसका मतलब क्या होगा बेटा, उसके अंदर रेसेमाइजेशन भी होगा, इन्वर्जन भी प्रोडक्ट होगा, टेन भी होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन बोथ। समझ में आ गया, ये दोनों का क्या होगा बेटा, वो आपका कॉम्बिनेशन होगा। तो कभी कभी आपको देगा प्रोडक्ट विल बी ऑप्टिकली इम्प्योर, तो इसका मतलब क्या समझोगे, वो रिटेंशन भी हो सकता है और इन्वर्जन भी है, दोनों के दोनों उसमें प्रोडक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। नहीं, इन्वर्जन भी हो सकता है यहाँ पर, रिटेंशन भी हो सकता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर मैंने बोल दिया यहाँ पर देखो ऑप्टिकली प्योर इन्वर्जन, तो क्या होगा, 100% इन्वर्जन होगा, और अगर मैंने बोल दिया रिटेंशन प्रोडक्ट है तो क्या होगा, 100%। समझ में आ गया, अब ये खेल समझ में आया, असली खेल क्या चल रहा था, असली खेल किस चीज़ का है बेटा, किस चीज़ का है बताओ, असली खेल किस चीज़ का है, यहाँ पर ऑप्टिकल प्योरिटी, ठीक है, ऑप्टिकल प्योरिटी तुम्हें पता पड़ ही गया। चलो देखो, इजी था कि टफ था ये, अब तुम्हें लग रहे होंगे इजी टॉपिक, समझ में आ गया, क्लियर, श्योर, डन कर लूँ, लॉक कर दिया जाए। चलो, अगर ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों ने अगर दिमाग लगा लिया, दिमाग तुम्हें क्या लगाना है, अगर मैंने कभी बाय द वे बोला कि प्रोडक्ट आपका 1 mole बन रहा है, उसमें से तुम्हें क्वेश्चन कराया जाएगा, ऐसा तुम्हें क्वेश्चन कराया जाएगा आगे केमिकल काइनेटिक्स में, बोल दिया मैंने, किसमें कराया जाएगा, एंगल वाला कराया जाएगा, कौन सा वाला, एंगल वाला, तो फिर कर लोगे। अगर एंगल 30% हुआ, रिटेंटिव एंगल कितना हुआ, 30%, और इन्वर्ट एंगल 20% हुआ, ये प्लस 30, ये माइनस 20, तो रेसेमी कितना होगा, रेसेमाइजेशन कितने एंगल का होगा, ये प्लस 30 है, ये माइनस 20 है, तो रेसेमाइजेशन कितने एंगल का होगा, 20% का, 20 डिग्री का रेसेमाइजेशन होगा, और फाइनल प्रोडक्ट किस में आएगा, प्लस में या माइनस में, प्लस में। समझ में आया, अब खेल समझ में आ गया। अब यही क्वेश्चन तुम्हें फिजिकल में पूछेगा घुमा के, तो क्या तुम्हें नहीं आना चाहिए, एंगल का खेल पता है ना। चलो, एक्चुअली बात यह है कि अगले साल मैं तुमको फिजिकल पढ़ाऊंगा, बढ़िया है, मैं पूरी चीज़ें पता है मुझे, कहाँ कौन सी चीज़ें होगी यूज सब पता है, घर पर डायग्राम्स पढ़े थे ना,